इस गाय के जहाँ हमने रुई भर रखी है ना, इसके सर में दिमाग तक छेद है। जब ये कुछ घंटे पहले नैन पुखर से यहाँ पे आई है तो इसका एक्सीडेंट हुए 3 हफ्ते से ऊपर हो चुके थे। इसकी चमड़ी के चिथड़े उड़े हुए हैं, इसकी आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी बहुत मदद की, वही इसको यहाँ लेके आए। उन्होंने इसको हल्दी भी लगाई, वो इसको खड़ा भी करते रहे कि इसका पाचन ठीक रहे। जो भी लोकल सरकारी अस्पताल है वो वहाँ भी गए, पर क्या सरकारी अस्पताल जिन्हें ये नहीं दिखा कि इसके सर में दिमाग तक छेद है, इसको बचाना नामुमकिन है। क्या सरकारी अस्पताल जहाँ पे गाय का दाखिला भी नहीं करा सकते। पालमपुर इतना बड़ा अस्पताल है लेकिन वहाँ पे भी सुबह गाय ले जाओ, शाम को आपको वापस लेके आनी होती है। भाई कौन सा ऐसा एक्सीडेंट विक्टिम है जो सुबह से शाम तक ठीक हो जाता है? 6-6, 9-9 महीने लग जाते हैं गाय को ठीक हो जाने में। सरकार काओ सेस इकट्ठा करती है, शराब पे टैक्स है, गाड़ी पे स्कूटर पे टैक्स है, लेकिन एक ऐसी फैसिलिटी नहीं बन सकती भाई जहाँ पे जो डेयरी वालों ने गाय छोड़ रखी है, जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको वहाँ ले जा तो सकें। डेयरी वालों के पास हजारों करोड़ों रुपया है, अखबार में फुल पेज ऐड निकाल देंगे के अगेंस्ट, लेकिन उनसे मरों से एक ओल्ड एज होम नहीं खुलता जहाँ पे जो लोग गाय पाल पाल के उसको पैदा कर करके छोड़ते हैं, वहाँ पे ले जाके छोड़ सकें। अब जब मैं 100 बातों की एक बात कहूँगा ना कि ये सब दूध के लिए हो रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं दूध के लिए तो गाय पाली जाती है। अरे इसे पालना कहते हैं। देखिए, खरीदने वाले को दूध से मतलब है, बेचने वाले को मुनाफे से मतलब है। तो ये गाय पैदा की गई दूध के लिए और ये छोड़ी गई मुनाफे के लिए।